मेघालय बन चुका है पहला इंडियन स्टेट जिसने ऑफिशियली एक ई स्पोर्ट्स की लाइनअप को स्पॉन्सर कर दिया। क्या आप इस बात पर भरोसा करेंगे? जी हाँ, जुबिलियन डिवाइन जो कि खेल रही है इस टाइम पे बैटल ग्राउंड मोबाइल प्रो सीरीज 2024 BMPS में ऑलरेडी उस टीम को पूरी तरीके से स्पॉन्सर किया है, जहाँ पे दे आर ऑल्सो लाइक वेरी डिलाइटेड कि उनके स्टेट ने उनको स्पॉन्सर किया है। इसलिए ये किया गया है ताकि आने वाले दिनों में जब ओलंपिक्स होगा ई स्पोर्ट्स का, तो मेघालय कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट देयर ई स्पोर्ट्स एथलीट। अभी फिलहाल के लिए जुबिलियंट BGMI में है, दे विल ऑल्सो एक्सपैंड इन डिफरेंट जॉनराज, जो कि आपका वैलो हो सकता है, CS हो सकता है, बेस्ड ऑन कि IOC कौन कौन से गेम की लिस्ट लेकर आती है। एक बहुत कहूँगा बड़ा इनिशिएटिव, मेघालय ने कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया फॉर अदर स्टेट्स इन इंडिया, क्योंकि ई स्पोर्ट्स ओलंपिक्स बहुत करीब है, 2025 सऊदी अरेबिया में होने वाला है फॉर द फर्स्ट टाइम। और अगर आप ये सोचें कि मेघालय ने स्टार्ट कर दिया इस चीज़ को कि वो ई स्पोर्ट्स की टीम को एसोसिएट कर रहे हैं विद द स्टेट, कहीं ना कहीं मेघालय ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है ये दिखाते हुए कि जब ई स्पोर्ट्स ओलंपिक्स आएगा तो दे विल बी रेडी, देयर स्टेट विल बी रेडी। एंड ये कहीं ना कहीं सारी अदर स्टेट्स जो इंडिया में बड़े बड़े स्टेट्स, उत्तर प्रदेश, मुंबई, आपका साउथ हो गया, चाहे वो तेलंगाना हो या केरला हो, अगर हर जगह से हर स्टेट एक एक ई स्पोर्ट्स ऑर्ग को बैक कर दे, नाउ इमेजिन कि क्या लेवल होगा जब ई स्पोर्ट्स ओलंपिक में ये सारे प्लेयर्स जाएंगे जब वापस आएंगे। 2025 में होने वाला है पहला ई स्पोर्ट्स ओलंपिक सऊदी अरेबिया में, एंड कुडूस टू मेघालय गवर्नमेंट कि उन्होंने इस तरीके से ई स्पोर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया है। BMPS में ऑलरेडी जुबिलियंट डिवाइन खेल रही है, जब वो खत्म होगा उसके बाद देखना है कि किस तरीके से और ज्यादा सपोर्ट करती है मेघालय गवर्नमेंट। एंड लेट्स सी गाइस, कमेंट में जरूर से बताओ नेक्स्ट स्टेट कौन सी होने वाली है जो अपनी खुद की ई स्पोर्ट्स लाइनअप को या ई स्पोर्ट्स ऑर्ग को बैक करेगी, बिकॉज जो एम है ना, इट्स नॉट BMPS, इट्स नॉट छोटे इधर उधर के जो टूर्नामेंट्स है, इट्स ओलंपिक। सो लेट्स सी दैट कि इंडिया एकजुट कैसे होती है ई स्पोर्ट्स के लिए, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉरवर्ड एंड सबको बहुत ज्यादा होप्स है अपने एक एक रेस्पेक्टिव स्टेट से। लेट्स सी कौन कौन आएगा, एंड जरूर से कॉमेंट सेक्शन बताइए कि नेक्स्ट स्टेट आपको कौन सा दिखने वाला है।